चलिए तो मैं आज आपको ऐसा कीट नियंत्रक बता रहा हूँ जो टॉनिक का भी काम करेगा और कीट नियंत्रक है भी, और लाखों का कीट नियंत्रक आप मात्र 200 रुपए में बना लूंगे। अब देखो ये जो 3 फीट जमीन खोद के हमने जो मिट्टी का लाए, इसको कहते हैं सब सॉइल। क्या कहते हैं? ये चिपकने वाली मिट्टी है। इसको मिट्टी से हम जब पेड़ पौधे में चिपकेगी तो हमें फायदा मिलेगा, और दूसरी मिट्टी ये पेड़ के नीचे की, तीसरा हमने ये गौमूत्र रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये 15 किलो लगभग मिट्टी इसमें डालिए तसले में, और वो वाली भी डालिए एक तसला। अब इसमें हम डालेंगे 10 लीटर गौमूत्र, ये डाल दो। बढ़िया, ये हमारा संपूर्ण घोल बन गया। हमको और ताकतवर अगर बनाना है, अब ये जो 2 लीटर जो हमारा तांबे वाला ये छाछ है, ये इसमें आप डाल सकते हो, तो ये और ताकतवर बन जाएगा हमारा। इससे कितना भी खतरनाक कीट हो, कितना भी प्रकोप हो, बहुत सख्ती से ये रोक लेगा। अब ये जो आपको ये घोल दिख रहा है, ये इसमें आप डाल लो, और जो मिट्टी मोटी होगी वो इसी में छन जाएगी। तो चलिए अब ये स्प्रे हम करवाते हैं, और अब आप देखिए भैया ज़्यादा मारना, पूरा ऊपर तक नहला उसको। अब आप ये देखो, ये स्प्रे करने से इसमें ये मिट्टी की परत चढ़ गई है। दिख रही है आपको मिट्टी की परत चढ़ी हुई? जी भैया। आपके पौधे और इसमें सब में मिट्टी की परत चढ़ गई, तो अब आपके उसमें वो कीट नहीं आएंगे। कितने एरिया में लगाए आपने? ये 10-11 एकड़ में लगा। अब आपने 11 एकड़ में लगाए हैं, और 11 एकड़ में अगर आप कीटनाशक लाते तो कितने का आता? अंदाज नहीं, ये समझ भैया 50-60। अब आपने खुद मेहनत किया, ये आपके साथ वालों को लगाए, और आपने जमीन से गड्ढा खोद के टंकी बनाए, तो ऐसी आप 15 टंकी बना सकते हो, और मात्र 200 रुपए के खर्चे में। ये तो ये आपके हजारों का कीटनाशक भी बन गया, और प्लस टॉनिक साथ में बन गया। अरे भैया बहुत बढ़िया, एक नंबर लगा। अब चलिए बहुत बढ़िया, तो मिट्टी की ताकत आपने देखी। अरे सुनील भैया जय श्री राम, कैसे हैं? जय श्री राम भैया, सब बढ़िया भैया। अरे यार बहुत परेशान दिख रहे हो सुनील भैया आप। अरे बड़े परेशान है भैया, भैया अपना रासायनिक खाद डाल के, कीटनाशक डाल के खेत में बड़े परेशान हो गए। क्या हुआ, खेत में कीट आ गए हैं क्या? अरे बहुत सारे कीट आ गए भैया। आपने तो तुअर की बहुत अच्छी फसल लगाए थे। अरे क्या करें भैया, ये कीटनाशक डाल रहे हैं उससे बड़े परेशान है, पैसे पानी की बड़ी समस्या जा रही है, पैसे अलग नहीं है। चलिए तो मैं आज आपको ऐसा कीट नियंत्रक बता रहा हूँ जो टॉनिक का भी काम करेगा और कीट नियंत्रक है भी, और लाखों का कीट नियंत्रक आप मात्र 200 रुपए में बना लोगे। 200 रुपए में कैसे भैया? चलिए मैं आज आपको सामने से सिखाता हूँ, आइए आइए काका जी, सामने से मैं आज आपको ऐसा कीट नियंत्रक सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा हूँ भाई जी कि आपके खेत में ये गौ माता भी है जी। आपके पास गौ माता, तो आप इतना अच्छा कीट नियंत्रक बना सकते हो, और उसमें वो टॉनिक का भी काम करेगा, और मात्र 200 रुपए में आप लाखों का टॉनिक कैसे बना सकते हो और कीट नियंत्रण कैसे बनाते हैं, मैं आज आपको सामने से दिखाऊंगा। काका जी को भी रख लो, और काका जी जयराम जी बढ़िया। चलिए तो आप भी चलिए आज आप मिलके, आपको सामने से बताएंगे कि कैसे कीट नियंत्रक और कीटनाशक बनेगा जबरदस्त। आइए तो काका जी, कौन कौन सी मिट्टी लाए हो? ये 3 फीट के नीचे की मिट्टी है, गड्ढा खोद के जो लाए थे। और ये है अपने पेड़ के नीचे, पुराना पेड़ है उसके नीचे की मिट्टी। अब देखो ये जो 3 फीट जमीन खोद के हमने जो मिट्टी का लाए, इसको कहते हैं सब सॉइल। क्या कहते हैं? ये चिपकने वाली मिट्टी है। इसको मिट्टी से हम जब पेड़ पौधे में चिपकेगी तो हमें फायदा मिलेगा, और दूसरी मिट्टी ये पेड़ के नीचे की। तो जो बड़ा पेड़ होता है 50 साल पुराना, चाहे आप नीम का रख लो, चाहे बरगद का रख लो, चाहे आप पीपल का रख लो, या आम का, किसी का भी 50 साल पुराना, तो उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत होता है, और ऑक्सीजन का प्रवाह होने से क्या होता है, जो खेत के आसपास का हमारा एरिया होता है वहाँ पे प्राकृतिक तौर पे वहाँ पे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे माइक्रो राजा, राइजोबियम, सूडोमोनास, ऐसे ट्राइकोडर्मा, ऐसे अन्य प्रकार के। तो ये क्या करते हैं, जब ये स्प्रे होकर हमारी ज़मीन में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पोषण का काम करते हैं, और ये जब दोनों मिट्टी हम मिलाएंगे और जब मिट्टी की परत जमेगी हमारे उसमें, तो उस पर कीट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमारे खाने में मिट्टी आ जाती है तो हम खाना खाएंगे, उसी प्रकार जो कीट हरे पौधे खाने आते हैं तो वो नहीं आएंगे। तीसरा हमने गौमूत्र रखे हैं। गौमूत्र में क्या होता है, 2.5% नाइट्रोजन, मतलब प्राकृतिक तौर पे इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 15 किलो लगभग मिट्टी इसमें डालिए तसले में, और वो वाली भी डालिए एक तसला।
और अब इसमें हमने पानी मिला लिए। अब देखो हमने पानी मिला लिया, 24 घंटे तक उसको फूलने देंगे, कितने मिनट तक? 24। हाँ, अब ये पानी कैसा हो गया? मठमेला। अब इसमें हम डालेंगे 10 लीटर गौमूत्र। भैया गौमूत्र डाल दो उसमें 10 लीटर, बढ़िया। और गौमूत्र हमको छाव में रखना और ये डाल दो, बढ़िया। और चूंकि आपके तुअर के पेड़ में अभी बरसात हुई तो कीट लगने की संभावना थोड़ी है, अगर ऐसा लगे कि संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो साथ में हम ये छाछ भी डाल सकते हैं जी। 2 लीटर कितनी डालना है? 2 लीटर। ये हमारा संपूर्ण घोल बन गया। हमको और ताकतवर अगर बनाना है तो हमें क्या करना है, जो हमारी मही निकलेगी या छाछ निकलेगी या बटर मिल्क निकलेगा उसको हमको एक मटके में रखना है जी। और तांबे की अंगूठी, जैसे हम अंगूठी पहनते हैं ना, उसमें डाल देना है और उसको 2 महीने पुराना होने देना है। कितना? 2 महीने। अब ये जो 2 लीटर जो हमारा तांबे वाला ये छाछ है ये इसमें आप डाल सकते हो तो ये और ताकतवर बन जाएगा हमारा। इससे कितने भी खतरनाक कीट हो, कितना भी प्रकोप हो, बहुत सख्ती से ये रोक लेगा। अब ये हमारा घोल बन गया, इसको बढ़िया आप हिलाइए और ऐसे हिला के बढ़िया हमारा जो ये स्प्रे मशीन है इसमें डालिए। अब ये जो आपको ये घोल दिख रहा है ये इसमें आप डाल लो और जो मिट्टी मोटी होगी वो इसी में छन जाएगी, डाल लो बढ़िया। बढ़िया, अब इसको ढक्कन लगा लो, बस यही रख दो उसको। और जैसे नॉर्मल जो आप स्प्रे करते हो वो 10 सेकंड करते हो, उसको 20 सेकंड तक पूरा आपको नहलाना है पौधे को पूरा आसपास, ठीक है? तो सुनील भैया जी, भैया लोगों को मैंने ये समझाया कि ऐसे इसमें भर लिए इसको और कोई भी पौधे को 20 सेकंड तक नहलाना है, फिर अपन सामने से जब नहलाएंगे तो मैं आपको आगे का बता देता हूँ। अरे वाह सुनील भैया, आपके पेड़ तो क्या ऊंचे ऊंचे, जरा एक बार हाइट देखिए जाके, गले लगाइए इसको जरा, बाप रे, तो 12 से 14 फीट ऊंचा है लगभग, गले लगाइए एक बार इसको सुनील भैया। भैया फसल तो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, बस ये मौसम खराब होने से, पानी गिरने से कीट और इल्लिया से बड़ा परेशान। और जब ये फल आते तो इल्लिया वैसी आती है? अरे बहुत सारी। तो चलिए अब ये स्प्रे हम करवाते हैं और अब आप देखिए भैया, ज्यादा मारना, पूरा ऊपर तक नहलाओ उसको। और जब ये फंसे तो इसको ऐसे ऐसे झटका मार के हिला लेना, पूरा अच्छे से नहला दो। आपकी फसल तो पूरी फूलों से भरी हुई है और इतना ऊंचा तुअर का पेड़, बहुत अच्छा है आपका। बस भैया पैसे से टूट रहा हूँ भैया मैं। लेकिन अब ये देखो, इसमें आपको कुछ खर्चा लगा? नहीं भैया। अब आप देखो ये पूरा, इनने जो स्प्रे कर दिए, पूरा ऊपर तक वाले में मारो, पूरा ऊपर तक, बीच में मारो पूरा। अब आप ये देखो, ये स्प्रे करने से इसमें ये मिट्टी की परत चढ़ गई है, दिख रही है आपको मिट्टी की परत चढ़ी हुई? जी भैया। अब ये मिट्टी की परत चढ़ने से क्या हुआ कि जिस प्रकार हमारे भोजन में अगर हम खाना खाएं और उसमें अगर मिट्टी आ जाए तो आप क्या करोगे? नहीं खाएंगे भैया इसको, भोजन नहीं खाओगे। नहीं। उसी तरीके से इल्ली क्या खाने आई थी? हरी हरी पत्ते और फल। अब जब उनको ये मिट्टी आएगी तो मुंह में, तो खाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे, चले जाएंगे। तो हम इसमें कोई जीव हत्या भी नहीं कर रहे। दूसरा, जो इसमें आपने गौमूत्र मिलाए हैं तो उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है, तो इसमें फफूंद भी नहीं आएंगे। तीसरा, जो आपने बड़े पेड़ की मिट्टी इसमें डाले थे तो इसमें उसके पूरे पोषण तत्व जमीन में जाएंगे और गौमूत्र में 2.5 अमोनिया के फॉर्म में यूरिया या नाइट्रोजन होता है, तो उसको यूरिया का भी फायदा मिलेगा। तो सोचिए आपने मिट्टी के स्प्रे से, अब आपके उसमें प्राकृतिक तौर पे ट्राइकोडर्मा, राइजोबिया, माइक्रो राजा भी सब जमीन में चले गया, प्लस आपके पौधे और इसमें सब में एक मिट्टी की परत चढ़ गई, तो अब आपके उसमें वो कीट नहीं आएंगे। और जब आप कीट नहीं आएंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना अच्छा आपका जो फल, जिसकी हाइट मेरी खुद की हाइट कितनी ज़्यादा है, और ये देखिए मैं खुद इस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं और ये इतने फलों से लदा एक पेड़ है, तो सोचिए कि आपको कितना अच्छा उत्पादन मिलेगा। कितने एरिए में लगाए आपने ये? 10-11 एकड़ में लगा। अब आपने 11 एकड़ में लगाए हैं और 11 एकड़ में अगर आप कीटनाशक लाते तो कितने का आता? अरे हजारों का घाटा था भैया। कितना रुपये लग जाता है एक अंदाज? फिर भी अंदाज नहीं, ये समझ भैया 50-60। अब आपने खुद मेहनत किया, ये आपके साथ वालों को लगाए और आपने जमीन से गड्ढा खोद के टंकी बनाए, तो ऐसी आप
15 टंकी बना सकते हो और मात्र 200 रुपए के खर्चे में। ये तो ये आपके हजारों का कीटनाशक भी बन गया और प्लस टॉनिक साथ में बन गया। तो आप सोचिए कि आपका ये हजारों रुपए बच गया, मात्र 200 रुपए में लाखों रुपए का टॉनिक बन गया और कीट नियंत्रक बन गया। तो कैसा लगा आपको? अरे भैया बहुत बढ़िया, एक नंबर लगा। अभी मैं 10-12 गाय पालूंगा, देसी गाय, और सभी का स्प्रे बनाऊंगा बढ़िया गौमूत्र से, और गोबर खाद बनाऊंगा और बढ़िया ऑर्गेनिक खेती करूंगा मैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो मिट्टी की ताकत आपने देखे जी भाई। चलिए मैं अब, ये बहुत देर हो गई जो यहाँ पे मिट्टी का स्प्रे हुआ था, सूखने के बाद देखिए ये कैसा हो गया। ये देखिए, ये सूखने के बाद ये देखिए इसमें पूरी मिट्टी की परत चढ़ गई। ये वाला देखिए आप, ये देखिए ये पूरी मिट्टी की परत चढ़ गई आपके खेत में और कोई रोग नहीं है। इसकी हाइट देखिए, इसको देखिए। मैं गले लगाता हूँ, पौधे को गले इसलिए लगाना चाहिए कि पौधे में भी जीवन होता है, ये बहुत खुश होते हैं। इनकी हाइट, इसकी कैनोपी, और ये देखिए इसके कितने फूल हैं इसमें और कितनी फलियाँ आना चालू हो गई है और कुछ कितनी ताज़ी और कितनी अच्छी है। तो सोचिए कि मिट्टी के स्प्रे से मात्र 200 रुपए के खर्चे में आप लाखों रुपए का कीट नियंत्रक और टॉनिक एक साथ आप बना रहे हैं और हमारे पेड़ पौधों को कितनी ताकत मिल सकती है, कितना जबरदस्त रिजल्ट है। तो चलिए आज हम सब लोग मिलकर एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब लोग घर में कम से कम 2 गाय पालेंगे। कितनी गाय पालेंगे? 2 गाय। और मिट्टी की, जो जिसने हमें धरती दी, हमारी धरती की मिट्टी, उनके गौमूत्र और उनके छाछ से हम इतना शक्तिशाली कीट नियंत्रक बनाएंगे जो बड़ी से बड़ी विपत्ति को ठीक कर सकता है। और देखिए अभी पूरे मिट्टी के स्प्रे हो चुका है, इल्ली नीचे से आना चालू करेगी, खुद ही नहीं आएगी। तो बोलिए भारत माता की जय।